ये हॉरर ज्यादा लग रही है। सीरियसली हॉरर मूवी तो नहीं है? हेलो एवरीवन, मैं नीतू फिर से एक रिएक्शन वीडियो के साथ। और मेरी आज की जो वीडियो है जिस पर मैं रिएक्ट करूँगी वो बहुत, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो है, उसका नाम है अधूरे निशान। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक जो मतलब ट्रेलर है जो कि डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री के बारे में है, और मुझे इस तरह की मतलब सस्पेंस मूवी, डिटेक्टिव वाली, इस तरह की मूवी बहुत पसंद है। तो ऑब्वियसली ये मूवी तो मैं पक्का वॉच करूँगी। पहले मैं ट्रेलर देख लेती हूँ जिसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं अब ट्रेलर स्टार्ट करती हूँ। ये हॉरर ज़्यादा लग रही है। सीरियसली हॉरर मूवी तो नहीं है? अच्छा, फर्स्ट डिटेक्टिव मर्डर। एक तो इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब पूरा माहौल बना के रखा है। शुरुआत एक तलाश की। कुछ मिटे अल्फाज अच्छा, ये तीनों ही डिटेक्टिव थे, मुझे लगा एक तो खुद ही तिरे के लिए लग रहा था। कुछ अधूरे निशान। जैसे जैसे बनाने की मतलब बनाया है या जैसे बनाने की कोशिश की है वो थोड़ा मतलब बहुत सस्पेंस, सीरियस और थोड़ा बहुत मुझे ना हॉरर वाली फीलिंग आ रही थी। आई नो वो रिलेटेड ही होते हैं थोड़ा, मतलब थ्रिलर और हॉरर, तो इसलिए आई थिंक वो थोड़ा इसलिए उसी की तरह लग रहा था। और जहाँ तक दिख रहा है कि तीन लोग हैं, तीन डिटेक्टिव हैं, वो ऑब्वियसली कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है ट्रेलर में, सस्पेंस बहुत सारा है। मर्डर ज़रूर दिखाया, क्योंकि दिखाया था एक लड़की का हाथ जो खून में मतलब ऐसे करके। और एक सीन तो फनी भी था जिसमें उसको एक ऐसे डिटेक्टिव दिखा रहे होते हैं, उसके लुक्स दिखा रहे होते हैं, और फिर वो वहाँ से वो जो कैंडी खा रहा होता है। और लेकिन उसके बाद कुछ भी फनी नहीं लगा मुझे, पूरा सीरियस था। इनफैक्ट थोड़ा डरावना लग रहा था। और लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि ये जब मूवी आएगी या मूवी जो रिलीज़ होगी ये बहुत अच्छी हिट होने वाली है, क्योंकि इसका मतलब इतना अच्छा सस्पेंस वाला ट्रेलर क्रिएट किया हुआ है कि ऑलरेडी बहुत सारा अटेंशन ग्रैब करेगी। तो ऐसी ही कुछ और हो सकता है न्यू, नहीं वैसे तो आप न्यू जो रिलीज़ है, जो 2022 में रिलीज़ होने वाली है, उस पर मैंने वैसे ऑलरेडी कुछ ट्रेलर्स बना रखे हैं, जैसे मौला जाट और भी कुछ, टिच बटन और ये सब। लेकिन और भी अगर आपको मूवी पता है जिस पर मैंने नहीं रिएक्शन वीडियो बनाया है और वो रिलीज़ होने वाली है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अनरिलीज मूवी का ट्रेलर रिएक्शन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो नहीं रिलीज़ हुई तो वो और भी उसके जो ट्रेलर्स आते रहते हैं तो उसको देख देख के और भी एक्साइटमेंट बढ़ता है कि अच्छा इसका थोड़ा और रिवील हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।